नमस्कार, मैं हेमंत तोसावर आपको बताना चाहूंगा कि श्री श्री महाशक्ति सावित्री मंदिर कमेटी कोलकाता और इसके अंतर्गत जो कमेटी है वो श्री महाशक्ति सावित्री कोलकाता सेवा ट्रस्ट। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे सामने दुलीचंद जी ढल्ला जी है जो कि प्रेसिडेंट है इनके, और सचिव जो सेक्रेटरी है वो हमारे पिंटू बराड़िया जी है। अच्छा, जो आप से एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है ये कि आप जो खोल रहे हैं अभी, जो आप ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं और कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? ब्लड डोनेशन कैंप का उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में जो बीमार हो जाते हैं, जिनको ब्लड चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो पहला रीजन हमारा ये है कि हमारे समाज के व्यक्तियों को कार्ड की उपलब्धि हमारे ही समाज की संस्था श्री श्री माँ सती सावित्री मंदिर कमेटी की तरफ से अवेलेबल हो, उसके लिए हम करने जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी मानव सेवा का एक धरातल का ये कार्य है जो विभिन्न संस्थाएं करती है, और हम तो हर समाज के व्यक्ति को यही प्रेरित करेंगे कि इस महायज्ञ में आके अधिक से अधिक लोग ब्लड डोनेशन करें, ताकि हर समाज के अदर समाज के किसी भी भाई को जरूरतमंद की जान बचाई जा सके। इसी उद्देश्य से हम ये कार्य करते हैं। ये समाज की मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की संस्था है श्री श्री माँ सती सावित्री मंदिर कमेटी। इसीलिए मैं पुनः सभी समाज के वरिष्ठजनों, मित्रगणों एवं जो युवा सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि वो अधिक से अधिक संख्या में 27 तारीख को आकर आड़ी मास्तला गली में रक्तदान शिविर में भाग ले और अपने समाज का, अपनी मानवता का गौरव बढ़ाए। इसी आशा के साथ में मैं पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ इस कार्यक्रम को भव्य रूप। मैं सेक्रेटरी साहब से पूछना चाहूंगा कि अभी तक आपने कैंप लगाया, अभी तक कितने कैंप लगा चुके हैं आप ब्लड डोनेशन के? हम लोगों ने पहले 2 कैंप लगाए थे। उस समय में हम लोगों की ट्रस्ट नहीं बनी थी, श्री महातपी सावित्री मंदिर कमेटी कोलकाता नाम था। फिर आदरणीय श्री गोपाल जी कड़ेल जब इस ट्रस्ट के चेयरमैन बने और इन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना की, तो अभी जो हम लोगों की महातपी सावित्री मंदिर कमेटी है ये श्री महातपी सावित्री कोलकाता सेवा ट्रस्ट के हम लोग अंडर में है और हम लोगों के चेयरमैन है श्री गोपाल जी कड़ेल। तो अभी पिछले भागव महोत्सव में हम लोगों के पहले 5 ही ट्रस्टी थे, फिर हम लोगों के ट्रस्ट का विस्तार जब हुआ तब चेयरमैन साहब ने हम लोगों से कहा कि भाई अगर इसमें अगर हम लोग सोशल एक्टिविटी करेंगे तो हम लोगों ट्रस्ट को कंपलसरी है, मैंने एडवोकेट ने उनको सलाह दी होगी कि हम लोगों को सोशल एक्टिविटी करनी होगी। तब हम लोगों ने एक आपातकालीन मीटिंग बुला के हम लोगों ने महासती सावित्री मंदिर कमेटी के नाम से हुआ था। उस समय हम लोगों की ट्रस्ट नहीं बनी थी। अभी हम लोगों का 3रा है और ये हर साल अब होगा। लेकिन ये आप देखिए, जिस तरीके से हमारे देश की जनता समाज जानना चाहता है कि ये जो आप ब्लड डोनेशन जो आप लगा रहे हैं कैंप, ये कौन से स्थान में लगा रहे हैं, किस जगह पर लगा रहे हैं, इनका एड्रेस क्या है और कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा? ब्लड डोनेशन जो दाता हम लोगों को जो ब्लड देंगे उन लोगों के लिए हम लोगों ने आड़ी मास्तला 8 नंबर में जो विश्वनाथन हॉस्पिटल का नीचे का प्रांगण है वो AC है, उसमें तो डोनर ब्लड देंगे। और मारवाड़ी बालिका विद्यालय का जो प्रांगण है उसमें हम लोगों ने अतिथियों के हिसाब से वहाँ पे हम लोगों ने जो अतिथि लोग आएंगे उनका अरेंजमेंट किया है और ब्लड देने का कार्य होगा हॉस्पिटल में। और बाहर में अतिथि और हम लोग जो कार्यकर्ता है हम लोगों का सबका वहीं बाहर में जमावड़ा रहेगा। तो मैं समाज से अपील करूंगा कि इस महासती सावित्री मंदिर कमेटी जो कि कोलकाता सेवा ट्रस्ट के अंतर्गत में हम लोग हैं, इसमें अधिक से अधिक संख्या में आए, भाग लें और अच्छे पुण्य के भागी बने। देख सकते हैं कितना उत्साह है, कितना उमंग है, क्या लगन है, क्या आग है, ये देख सकते हैं। मैं अब जो हमारे जो दूली चेयरमैन जो है हमारे सामने है, मैं चाहूंगा कि संक्षेप में 2 शब्द आप भी बोलना चाहेंगे। ये हमारे चेयरमैन है श्री गोपाल जी कड़ेल जी। चेयरमैन जी, श्री गोपाल जी, मैं ये जानना चाहूंगा और लोग जानना चाहेंगे कि जो आप इतना सुंदर और इतना अद्भुत और समाज के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं ब्लड डोनेशन का, उसके विषय में आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ब्लड डोनेशन हो रहा है जिसके अंदर सुधा जैन ने स्कूल के लिए जो हमको जगह दिया उसके आभारी है हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये जो अपना हॉस्पिटल है उसके अंदर नीचे का ग्राउंड मिला है हमको, तो उनके भी हम लोग आभारी हैं। बड़े उत्साह और एकदम
प्रेम पूर्वक डोनेशन हो रहा है उसका। देख सकते हैं आभार प्रकट भी किया है इन्होंने। सबसे बड़ी बात है चेयरमैन है और चेयरमैन होकर इतने बड़े पद पर होकर इन्होंने आभार प्रकट किया। ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत बात है। ये समाज को एक दिशा दिखाने वाली बात है, दिशा और दिशा दोनों दिखाने वाली बात है। मैं हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से।